नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है, लेकिन करनाल के घरोंडा में पत्नी ने इस रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। क्या आप सोच सकते हैं कि प्रेम में कोई इतना पागल हो सकता है, हत्या जैसा संगीन अपराध कर बैठता है। ऐसा ही एक घटना करनाल के घरोंडा से सामने आई है, जहां पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। यह घटना घरोंडा के वार्ड नंबर 16 में करीब एक महीना पहले हुई थी, जहां पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी। मंगलवार को पुलिस ने इस हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। अशोका कॉलोनी वासी राजकुमार की हत्या के मामले में पुलिस ने पत्नी सहित 3 को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पत्नी सुमन ने अपनी बेटी के ससुराल वालों के खिलाफ रात के अंधेरे में हत्या करने का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस जांच में पता चला कि लड़की के ससुराल वालों का हत्या में कोई हाथ नहीं था। जांच के दौरान लड़की के ससुराल वालों को बुलाया गया तो उन्होंने बताया कि हत्या वाली रात को वे घरोंडा में ही नहीं थे, वे पुंडरी गांव में थे। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि हत्या किसने की। जांच के दौरान विकास का नाम सामने आया। पता चला कि विकास और मृतक राजकुमार की पत्नी सुमन के साथ संबंध में थे। सुमन ने विकास के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और कहा कि मैं अपने पति राजकुमार के साथ दवाई लेने के बहाने घर से निकलूंगी और आप रास्ते में खेत के किनारे मिल जाना। धान के खेतों में सुमन की मौजूदगी में राजकुमार को पकड़कर उसका सिर पानी में डुबोकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी सुमन प्रेमी विकास व उसका साला अमरीश को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी फरार हैं, जल्द ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, इसमें सुमन है वाइफ ऑफ राजकुमार, जो अशोका कॉलोनी के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने लड़की के ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था कि राजकुमार की उन्होंने हत्या कर दी है रात के अंधेरे में। और हमने फिर उसमें इन्वेस्टिगेशन की तो पता लगा कि उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। और इसके बाद में जो ये एक तरह से ब्लाइंड मर्डर था, क्योंकि पता ही नहीं था कि किसने मर्डर किया है। तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन फिर हमारे पास ये पता लगा कि विकास एक नाम का लड़का है, जिसके इस लेडीज़ के साथ संबंध थे और इसने उसके साथ षड्यंत्र रच के 4 लड़कों को बुलवाया और ये बहाना बनाया कि मैं दवाई लेने के लिए जाऊंगी अपने हस्बैंड के साथ और आप मेरे को उस खेत के किनारे पे मिल जाना जहाँ से रास्ते में जाते हुए इनका घर है। तो वहाँ पे फिर इन्होंने उसको जो है पकड़ कर सुमन की प्रेजेंस में उसको जीरी में पानी में डुबो के, उसका गला डुबो के वहाँ पे उसकी हत्या कर दी। सर, हमने उनको जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करवाया था, जिनके ऊपर आरोप था उनको बुलवाया गया और वहाँ से उठा के लेके भी आए हम। तो वहाँ से हमें पता लगा कि उस रोज़ वो यहाँ पे थे ही नहीं, उनकी प्रेजेंस भी पुंडरी में है, वो ऑन दैट डे घरोंडा में नहीं आए। तो उसके बाद हमारे को जैसे पता लगा कि इसमें कुछ मामला कुछ और है। फिर इसके बाद सुमन ने किसी के थ्रू अप्रोच किया कि जी आप मेरी 302 की इन्वेस्टिगेशन ही बंद कर दो। तो हमारे को और भी ज़्यादा अचंभा हुआ कि मुदई, मर्डर की मुदई कह रही है कि मेरी इन्वेस्टिगेशन बंद कर दें। शक हुआ फिर सर हमें इसके ऊपर डाउट हुआ और फिर हमने अपने मुखबिर लगाए इस मामले को और मुखबिरों के जो वेरिफिकेशन हुई, जो विकास का नाम सामने आया और 4 लड़के और 3 लड़के और उसके साथ थे, तो फिर ये मामला सामने आया कि इन्होंने खुद ही मर्डर करवाया। तो इसमें 3 तो हमने अरेस्ट कर लिए हैं, जो मेन मारने वाले थे विकास और उसका साला अमरीश, और इस लेडीज़ को भी गिरफ्तार कर लिया है जी आज। इसके अलावा 2 अन्य हैं जिनको जल्दी गिरफ्तार। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।